नमस्ते जी, नमस्ते। सो बुक्स दैट यू कैन यूज फॉर प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी लॉ ऑप्शनल। सबसे पहला सवाल बिफोर वी गेट टू द बुक्स इज कि कितना टाइम लगता है इस ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में। मेरे अंदाजे में 3.5 से 4 महीने, प्रोवाइडेड दैट यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट। नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड बुक इज अवतार सिंह। पूरी किताब नहीं पढ़नी होती, हर एक केस लॉ आपने इसके अंदर से नहीं पढ़ना। इट हैज़ टू बी कन्फाइंड टू योर सिलेबस एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर आंसर्स, thanks to which you obtain higher marks. PSA Pillar, these are very old edition books, I believe from 2014-15. So I'll link everything down below in the description box, so you can take the latest editions if you wish to. So ये है जी IPC के लिए pretty much the standardized, most you can say the easiest book to read without getting into unnecessary complications. तो law optional में हमेशा ये बात आप याद रखिएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें अननीडेड हैं इन किताबों में जो आपने पढ़नी है। सो बेस्ड ऑन योर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, यू विल हैव टू फिल्टर क्वाइट लॉट ऑफ स्टफ आउट, क्योंकि इसके अंदर जितने केस लॉ वगैरह दे रखे होंगे दे प्रीटी मच यूजफुल फॉर लॉ स्कूल्स। शायद आपके आंसर्स के लिए उतनी डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो चीज़ आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। दो एक चीज़ें आप देख सकते हैं इस चैनल पर, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल की प्लेलिस्ट है और एक LLB X करके प्लेलिस्ट है। Both will be very, very helpful for you. Do check those out. This is administrative law. इसमें ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि काम होगा। This is by M.P. Jain. M.P. Jain की sister book is the constitution. We'll just come to that as well. But I believe 4 से 5 topics आपके syllabus में officially हैं जो कि इस किताब के अंदर दे रखे हैं। तो अगर आप पूरी पढ़ने बैठेंगे तो हो गया आप लॉ ऑप्शनल के, आप तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज ही शायद बनने की तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन आपने तो पेपर क्लियर करना है, राइट। वी हैव टू बिकम अ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट। थॉट्स, ज़्यादातर जनता आपको बांग्या रेकमेंड करेगी। मेरे ओपिनियन के हिसाब से GP सिंह इज़ आई फाइंड इट बेटर। मेरे को लैंग्वेज ज़्यादा सूट करती है एंड द वे सम पैसेजेस आर रिटन, दे आर क्लियर कट 10 to 15 रेडीमेड आंसर्स फॉर यू फ्रॉम थॉट्स। तो बहुत अच्छी किताब है। अगेन हैव टू फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ स्टफ बेस्ड ऑन योर आंसर, बिकॉज सी लॉ ऑप्शनल के अंदर क्या चक्कर है कि आपको आंसर्स टेलर करके देने हैं, बिकॉज अदरवाइज लॉ इज एन एंडलेस सब्जेक्ट। योर सिलेबस इज फिक्स्ड, रादर योर आंसर्स ऑल्सो नीड टू बी स्लाइटली फिक्स्ड। M.P. Jain कैन यूज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड बाइसेप बनाने वाली किताब है ये। जो मैंने लिस्ट बताई है, दिस इज़ नॉट यू कैन से कि बस यही वाली यूज़ करनी है या यही बेस्ट है, नहीं। ये मेरे ओपिनियन में व्हाट आई यूज़ प्राइमरली स्पीकिंग टू टीच फॉर द लॉ ऑप्शनल। वी हैव एन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम, अ लिंक टू दैट एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन एंड यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ प्रिपरेशन, यू नीड लेक्चर्स व्हिच आर वेरी फोकस्ड ऑन आंसर राइटिंग, यू कैन कंसिडर दैट। ऑल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम these very books only, but if you want to self prepare on your own, that's absolutely not a problem. It can be absolutely done, provided that you use these books or the alternatives available. So M.P. Jain as usual. This time I think the latest edition जो आ रही है इसकी, it is with the black cover, looks much better than this. International law के लिए either of these two. So lot many people use Kapoor. You can also use Gurdip Singh. I believe very, very decent books, both of them. गुरदीप सिंह में थोड़ी सी लैंग्वेज मोर पॉलिश्ड है, बट इसके अंदर कंटेंट बहुत आई वुड से जस्ट टू द पॉइंट एंड इट्स वेरी, वेरी रेलेवेंट फॉर दी पर्पसेस ऑफ द लॉ। सो आई यूज़ बोथ, आई यूज़ अ मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू बुक्स और उसके साथ में इंटरनेशनल लॉ निपटा लेता हूँ। तो अब जस्ट जनरली अगर हम देखें तो 3-3.5 महीने का अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो सबसे पहले आई वुड से कि कंप्लीट आउट इंटरनेशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर भारी भरकम सब्जेक्ट्स, इनको अगर हम साइड कर देंगे तो हमारे काफ़ी लॉ ऑप्शन में प्रिपरेशन हो जाएगी। थॉट्स हो जाता है, आसान है, नॉट दैट एग्जॉस्टिव। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अगेन आसान है बट थॉट्स से ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, तो बीच में आप कहीं इसका मीडियम लेवल लगा लीजिए। मैं वॉल्यूमिनस के बारे में बात कर रहा हूँ कि वॉल्यूम कितनी है सिलेबस की, क्योंकि टफ तो सिलेबस उतना नहीं है। बिलीव यू मी, थैंक गॉड दैट दे डोंट आस्क Indian Evidence Act, CRPC and CPC, the core of judiciary level law entrance examinations. यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ आपका ओवरलैप भी हो रहा है आपके GS के पेपर्स से भी, especially the constitution bit. खैर contract voluminous है, so अगर मेरे को एक targeted approach बनानी हो तो चलिए मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। देन आई विल गो फॉर आईपीसी। तो मान लेते हैं जी अगर मेरे को आज की डेट में एक टारगेटेड अप्रोच बनानी है टू प्रिपेयर फॉर माय लॉ ऑप्शनल। अब जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन यूल बी वाचिंग दिस इन 2022 2023 24 फॉर ऑल इयर्स दिस रिमेन्स रेलेवेंट बट राइट नाउ आई एम शूटिंग दिस इन अप्रैल 2021। वी आर इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक एंड अब इस टाइम पे अगर लॉ ऑप्शनल इस बार आई थिंक बिलीव सितंबर में एग्ज़ाम होगा आपका मेंस का। तो अगर मेरे पास 3 एक महीना है तो सबसे पहले मैं अपनी जो मेरा टारगेट रहेगा सबसे पहले मैं ये 3 सब्जेक्ट निपट सकते हैं आराम से ऑलमोस्ट समझ लीजिएगा 1 से डेढ़ महीने में, आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और टॉट्स। ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं जाऊँ चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का तो छोटा छोटा पोर्शन ही है और 2-3 चीज़ें मिसलेनियस सिलेबस में हैं आपके, मिसलेनियस टाइप की चीज़ें जो कि आपको सिर्फ इंटरनेट से उसमें नोट्स निकालने पड़ेंगे, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी जो कि आपके ऑफिशियल सिलेबस में बेसिकली लिस्टेड आउट हैं। तो उसके बाद अगर मैं आता हूँ तो मैं कम से कम अगेन 2 महीने मुझे लग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने में और इंटरनेशनल लॉ ख़त्म करने में, क्योंकि इसमें हमें पढ़ाई तो चलिए जो भी हम करेंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की या अमेंडेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें से हमने अपने आंसर्स बेसिकली रेडी करने हैं, क्योंकि पढ़ाई कर लेने से लॉ ऑप्शन में फिर नंबर इसीलिए नहीं आते क्योंकि हमारे आंसर्स रेडी नहीं है। और आंसर्स रेडी करना भी एक कला है एज यू ऑलरेडी मे बी नोइंग इफ यू अटेम्प्टिंग फॉर द यूपीएससी। आपको पता है खैर मेंस ही कोर है, प्रीलिम्स तो जस्ट स्क्रीन्स आउट दी बेसिकली यू कैन से राउंड 1 के अंदर स्क्रीनिंग कर देते हैं बट मेंस में आंसर राइटिंग के अंदर स्पेशली इन लॉ वेर यू विल हैव टू एक्सप्लेन why the law is the way it is using certain case laws, not all, certain case laws examples and for example आपने real life से उस चीज़ को connect करना है। for एक और चीज़ जैसे मान लेते हैं like there is a liberal way of interpreting the constitution, तो ये आप तो पढ़ लेंगे अपने syllabus में, आपको पढ़ना ही है आपको पास है ही, तो लिटरल वे है और लिबरल वे है। अब लिबरल वे को आप कैसे कनेक्ट करके आर्टिकल 21 में आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में कैसे रीड की गई है, ये चीज़ अगर आप एग्जामिनर को डेमोन्स्ट्रेट करा देंगे यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के लेवल पे, आई डोंट बिलीव दैट यू विल बी स्कोरिंग वेरी लेस मार्क्स एज द कॉमन बिलीफ इज कि जी इसमें बड़े कम नंबर आते हैं क्योंकि शायद आंसर्स की क्वालिटी उतनी ज़्यादा ठीक ना हो। ये नहीं कि ठीक है जी लॉ ऑप्शनल टफ है, इट इज़ अ लो स्कोरिंग ऑप्शन, वो सब इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बट थोड़े से अगर हम आंसर्स फाइन ट्यून कर दें तो शायद हम ज़्यादा नंबर निकाल पाएँ राइट। अब ठीक है जी लॉ ऑप्शनल में नंबर क्यों नहीं आते दैट्स एब्सोल्युटली नन ऑफ माय बिजनेस। मेरा तो सिर्फ ये काम है कि जी मैं आपको बता दूँ कि आपने ये सब आंसर्स वगैरह कैसे लिखने, और ये सब हमने यूपीएससी लॉ ऑप्शनल की प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट्स और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके मतलब की मिल जाएंगी और उस प्लेलिस्ट को आप कंबाइन कर लेंगे LLB X वाली प्लेलिस्ट से तो आई बिलीव आपका काम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए फॉर द लॉ ऑप्शन। ठीक है जी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड इट कैन बी डन 3-3.5 महीने में काम हो जाना चाहिए। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।